स्किन मतलब वॉयलेट एंड ऑरेंज। ओके, अब बताइए, अगर किसी पर्सन की एड़ियां फट जाती है ना, एड़ियां फटनी शुरू हो जाती हैं, तो एड़ियां फटती हैं, कट्स पड़ जाते हैं, तब कौन से दो रंगों का इस्तेमाल होगा? तो रेड चूंकि रूट चक्रा, एंड ऑरेंज क्योंकि वाटर एलिमेंट। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं सवाल पूछूंगा, अब आप लोगों ने बताना है कि कौन आंसर देगा, तो फिर हम उससे पूछेंगे और आंसर देंगे विद रीजनिंग, मतलब रीजन भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। सो ऑल आर रेडी? ठीक, तो सवाल है मेरा हेयर्स के बारे में, सिर के बालों के बारे में। सिर के बाल अगर ज्यादा झड़ रहे हो तब कौन से दो रंगों का इस्तेमाल होगा और क्यों? हेयर फॉल। चंद्रा जी बताइए जी। ब्राउन हेयर का ब्राउन चक्र के लिए होते हैं तो क्राउन चक्रा हो गया वायलेट, यानी वॉयलेट हो गया, साथ में और क्योंकि सपोर्टिंग। वो बाल झड़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो अर्थ एलिमेंट को होल्ड अर्थ एलिमेंट चाहिए, क्यों? क्योंकि पावर टू होल्ड और स्टेबल करे, करना किसका काम है? अर्थ का अर्थ काम है। तो एलिमेंट इसका कलर क्या हो गया? ऑरेंज, सॉरी रेड। रेड हो गया। तो हमें क्या करना है, रेड पिरामिड और वॉयलेट पिरामिड, इन दोनों पिरामिड का पानी पिएंगे तो ये जो समस्या है सॉल्व हो जाएगी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है मेरा, सवाल दूसरा मेरा जो है वो है, अगर किसी पर्सन को बहुत ऑयली हेयर रहते हैं, हेयर बहुत ऑयली रहते हैं, कौन जवाब देगा? ऑयली हेयर, सोनल जी। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लें। अनम्यूट नहीं हुआ। चलिए लिख के बताइए मुझे, लिख के बताइए, आप टाइप करिए और बताइए। ग्रीन एंड वॉयलेट। सो ग्रीन एंड वॉयलेट इज दी राइट आंसर। अच्छा आप बताइए कि वॉयलेट तो हो गया सिर के बालों के लिए, ग्रीन क्यों लिया गया? वाई वी टुक ग्रीन? रुशाली जाधव जी। जी ऑडिबल ना सर? हाँ जी, ओके, तो उसका आता है बिकॉज विंड इज द एलिमेंट एंड टू ड्राई एनीथिंग वी यूज दैट एलिमेंट। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक्सेलेंट। तो यानी अब आपको ये कंसेप्ट क्लियरिटी जो है वाटर कलर थेरेपी की बढ़ रही है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल है जो मैं पहले भी कहीं ना कहीं पूछ चुका हूं। अगर किसी पर्सन को आंखों में ज्यादा रेडनेस होती है, जलन होती है, तो आईज में रेडनेस एंड आईज में बर्निंग, कौन आंसर देगा? हेमलता साकिया जी, अनम्यूट कर लें। नमस्ते सर। आंखों में, आंखें थर्ड आई चक्रा में आएंगी, थर्ड आई तो चक्र, कलर बोलना है, इंडिगो इंडिगो कलर एंड येलो कलर। तो इंडिगो एंड कलर के पिरामिड का पानी पियेंगे और येलो कलर, येलो कलर। येलो क्यों? तो क्योंकि जलन हो रही है, फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है।
तो आप येलो से तो नहीं, फायर और बढ़ा देंगे। नहीं नहीं सर, वाटर कलर ऑरेंज यूज करेंगे। ऑरेंज यूज करेंगे, अब आपका सही आंसर है। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट सवाल है मेरा। जैसे पाइल्स हो जाती है ना, पाइल्स में मस्से हो जाते हैं, गांठे बन जाती हैं, पाइल्स में मस्से हो जाते हैं और गांठे बन जाती हैं, तो कौन आंसर देगा इसका? Who will give the answer? जिसने अभी तक नहीं दिया उसको ही पकड़ेंगे पहले। जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया, मौलिक जी, मौलिक जी। हाँ जी सर, उसमें आएगा रूट, रूट चक्र आएगा, उसमें आएगा रेड कलर और टाइल्स जो है उसको गलाने के लिए येलो कलर, सोलर सोलर प्लेक्सस। बहुत बढ़िया, तो रेड आ गया रूट चक्रा का, क्योंकि रूट चक्रा पर पाइल्स है और वहां पे गांठे हैं, गांठों को मेल्ट करने के लिए अग्नि तत्व की जरूरत पड़ेगी, येलो कलर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल है मेरा। अगर किसी पर्सन को अंडर आर्म में, ये होता ना कांख एरिया, एक्सिला एरिया, अंडर आर्म में गांठ हो जाए, अंडर आर्म में गांठ हो जाए, तो कौन से पिरामिड का पानी देंगे उसको? महालक्ष्मी जी, ग्रीन एंड येलो। ग्रीन एंड येलो क्यों? हार्ट चक्रा। वेरी गुड, हार्ट चक्रा, चूंकि लोकेशन वाइज जो गांठ है वो हार्ट चक्रा, वो मेल्ट करेगा येलो वाला फायर में। फायर में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक्सेलेंट। तो सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? किसी को कोई डाउट तो वो पूछ सकता है। इफ somebody is having doubt, they can ask। चंद्रा जी, सवाल पूछिए। सर नमस्ते। सर नमस्ते जी। सर जिसको स्किन प्रॉब्लम है, क्या उसका फायर एलिमेंट बढ़ाना ठीक होता है क्या? किसके लिए? सर जैसे स्किन में प्रॉब्लम है तो काफी लॉन्ग टाइम से है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्लड इश्यूज है, तो और बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा, तो डिटॉक्स करना है तो फायर एलिमेंट बढ़ाना पड़ेगा डेफिनेटली। तो सर एक तरफ तो उसको स्किन प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ उसको हम डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो वॉयलेट एंड येलो चलेंगे। वॉयलेट एंड येलो। और सेकंड थिंग, हाँ जी सर, जिसको डायबिटीज हो प्लस उसको घाव भी हो जाए, ठीक है, और सपोज उसके इंटरनल विंड भी बढ़ा हुआ हो, तो फिर घाव को सुखाने के लिए फिर विंड को बढ़ाना है? नहीं देखो, अब इसमें क्या होगा, हम अग्नि का इस्तेमाल करेंगे। अभी देखिएगा, मैं आपको मैनुअल साथ में दिखा रहा हूँ इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। बहुत सही सवाल है आपका, अच्छा सवाल है, तो इसमें क्लियरिटी जितनी हमें ज्यादा रहेगी उतना अच्छा। देखिए ये हमारे सामने एक चार्ट खुल गया एलिमेंट का। फायर के अंदर हॉट लिखा है, तो गर्म चीज क्या करती है, सुखाती है कि नहीं सुखाती? यहां पे देखिए लास्ट थर्ड अग्नि के अंदर ड्राई लिखा है, इट मेक्स द थिंग्स ड्राई, ठीक है, तो फायर घाव सुखा सकती है, ठीक है। अभी देखें मैनुअल में, हम ऊपर और ऊपर चलते हैं मैनुअल में, इसी मैनुअल में और ऊपर चलते हैं और पहुंचते हैं यहां पे। अब देखिए ये कौन सा है, येलो कलर है, और इसी के अंदर सबसे ऊपर लिखा है पेनक्रियाज, यानी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, दोनों काम हो गए सर। तो दोनों काम हमारे येलो से हो जाएंगे। तो इस तरह से जब हम इसमें मतलब होता है ना, ऑल कंटेंट एट वंस हमारे माइंड में रहेगा, तो इससे हमें बहुत क्लियरिटी हो जाएगी, चक्रा वाइज भी, एलिमेंट वाइज भी और लोकेशन वाइज भी। सर सर एक और सर, हाँ जी, इसको ठंड लग रही हो सर, और जिसका स्किन भी ड्राई हो, ठीक है,
उसके लिए फिर क्या वाटर एलिमेंट को कैसे बढ़ाएं सर? अब ठंड लग रही हो और साथ में ड्राइनेस ऑफ स्किन हो, हाँ। अब सबसे पहले एक चीज को समझना है, हमेशा जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम हो तो एक्यूट सिम्टम क्या है? एक्यूट सिम्टम है कि ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। ऐसे नहीं सर, बहुत ज्यादा ठंड नहीं, मतलब एक उनका स्वभाव है कि उल्टा सोना, हाँ। मतलब पंखा चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो वो उल्टा सो जाएगा। तो उल्टा सोने में तो कोई हर्ष नहीं है सर, नॉर्मली उसके मुकाबले और जो लोग होंगे ना वो सीधा सोएंगे, वो जो बंदा है वो उल्टा हो जाएगा क्योंकि उसको ठंड लग रही है। हाँ, मतलब देखिए अगेन, और उसकी स्किन की, उसके अंदर स्किन प्रॉब्लम भी है। मैं तो, इसमें भी बताता हूँ, देखिए समझिएगा। अभी आजकल मौसम कौन सा चल रहा है? सर्दियों का चल रहा है, ठीक है। सर्दियों में स्किन में ड्राइनेस बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? यस सर। तो जब हम अग्नि बढ़ाएंगे तो ठंड भी काउंटर होगी, ड्राइनेस भी कम होगी। क्यों? क्योंकि जब हम अग्नि बढ़ाएंगे तो ब्लड और एनर्जी का सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ओके। तो स्किन नॉरिश होगी तो वो ठीक हो जाएगा। ओके, फिर से भी हेलो दे दीजिए जी। ओके, थैंक यू सर, वेलकम। चलिए और अमिता निहाल जी, आपका कोई सवाल? नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर जैसे मेरे को प्रॉब्लम है, जैसे मैं अभी कोर्स कर रही हूँ, जैसे है ना जी, हम 3 घंटे बैठते हैं, जैसे मैं चेयर से उठती हूँ ना, 2-3 मिनट मेरे पैर इतने हैवी हो जाते हैं कि मैं 3 मिनट तक चल नहीं पाती हूँ। ठीक है। तो मैंने पिरामिड मंगाया था आपसे ही जी, तो मैं, मेरे को तो आइडिया नहीं था, 3-4 दिन से मैंने चालू किया, पर मैं पूरा रेड पिरामिड, मतलब रूट चक्रा का पिरामिड रेड वाला, 3 दिन से मैं वो लगातार पी रही हूँ, पर फुल पी रही थी मैं, रात को फिल कर रही थी, भर रही थी, सुबह पी रही थी जी। और यूरिन में मेरा होल्ड का पावर कम था जी, तो उसमें तो फर्क पड़ा काफी, 50% बेनिफिट है, पर पैर में मुझे फर्क नहीं लग रहा है सर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ पैर में हमें क्या करना है, समझिएगा। अब मैं अगर बैठा हुआ हूँ तो ब्लड का सर्कुलेशन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा सर। घटेगा। और अगर मैं चल रहा हूं तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा? बढ़ेगा, फ्लो रहेगा उसका, हाँ। बैठकर उठने पर जिसको भी भारीपन, तकलीफ, सुनपन या थोड़ी देर चलने में दिक्कत लगती है, इवन घुटनों के पेशेंट में भी ऐसा कई बार मिलेगा जी। तो वहां पे रेड तो देना है लेग्स के लिए, लेकिन सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आपको ग्रीन ऐड करना पड़ेगा जी सर। ग्रीन इज फॉर दी सर्कुलेशन ऑफ दी ब्लड एंड एनर्जी जी। ठीक है सर जी। हाँ जी, और बताइए। मेरे को ये प्रॉब्लम बहुत पहले से है सर। हाँ तो कोई बात नहीं, तो मतलब कितने समय तक अगर से लेने तो बेनिफिट मिलेगा सर? बस जब तक ठीक ना हो जाए, मैक्सिमम टाइम 1 महीना। ठीक है सर। ओके जी। ठीक है सर, एक अल्सर का जैसे अपन बताए थे जी, अल्सर का ये अपना सर्कल चक्र ऑरेंज है जी, उसके साथ क्या लेंगे सर? ऑरेंज के साथ कुछ कॉम्बिनेशन लेना है सर के लिए? किस पर्पस के लिए सर? उसको पूछना पड़ेगा ना कहाँ क्या अल्सर है, कैसा है। हाँ, मतलब अल्सर के लिए आप एक तो वॉयलेट जरूर ले लीजिए। वॉयलेट क्या करेगा, उस अल्सर पे नई कवरिंग भी ले आएगा। अच्छा ठीक है। ओके सर। अब अल्सर अगर हो गया स्टमक में तो सोलर के साथ, कोलाइटिस लार्ज इंटेस्टाइन में तो सैक्रल के साथ, तो आपको चक्र उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ओके सर जी। ओके, थैंक यू सर, वेलकम। शुभम कौशिक जी हैं, वो भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो चलिए उनसे पूछते हैं। शुभम कौशिक शुभम जी, शुभम कौशिक जी सवाल पूछे अपना।
दीपांशी देवल जी। दीपांशी देसवाल जी पूछिए सवाल। दीपांशी जी वर्षीना जी सर I want to ask one question, that is कि person who is बहुत दिनों से उसको toenails में suffering हो रही है fungal infection की, तो other than toenails पैरों के nails में बहुत ज्यादा fungal infection है, वो कितने दिनों से allopathic medicine खाने के बावजूद और आयुर्वेदिक मेडिसिन करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, बार बार रिअकर हो रहा है, तो उसके लिए रेड पिरामिड का पानी के अलावा और क्या कर सकते हैं हम? जब भी इन्फेक्शन होता है तो कल बताया था कौन सा देना होता है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो ब्लैक एंड रेड का देंगे। ओके एंड सर ये अगर मतलब एनीथिंग फॉर अदर देन दिस अगर हम सुजोक से थोड़ा सा ट्रीट करें तो कैसे करेंगे वो सुजोक की क्लास में बताएंगे। अच्छा थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। ओके तो देवेंद्र टंडन, देवेंद्र टंडन पूछिए जी, अनम्यूट कर लीजिए फिर सवाल पूछिए। देवेंद्र टंडन चंद्र प्रभा जी आप पूछिए। हेलो। हाँ जी हेलो, आवाज आ रही है सर? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, जो मैं रिटायरमेंट का पूरा यूज कर रही हूँ आपकी जानकारियां लेने के लिए, हर क्लास में ज्वाइन कर रही हूँ आपकी अभी नई। सर मेरी मम्मी के है ना कान की नर्व खिंचा रही है, ठीक है, तो सबसे कान पहले की नस खिंचा रही है, तो अपन पिरामिड जल का कौन सा, कान किस में आते हैं, कौन से चक्रा में, कौन से चक्र में आएंगे, थर्ड आई में, थर्ड आई में कौन से पिरामिड का पानी देंगे उसके लिए, थर्ड आई में सर? हाँ वायलेट, तो इंडिगो पिरामिड का पानी देंगे, क्लियर हो गया? बस वायलेट पानी से हो जाएगा इंडिगो, उनको ऑस्टियोपोरोसिस भी है सर, हाँ इंडिगो का देंगे मम्मी को के लिए। अच्छा उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन सा देंगे आप बताइए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन सा देंगे? ये रूट चक्र की प्रॉब्लम है, हाँ तो रेड पिरामिड का, रेड कलर का सर? यस यस यस, ठीक ठीक है, तो रेड एंड इंडिगो उनको दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसका सवाल है। शिवानी मित्तल जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी सिस्टर जिसको हेयर फॉल बहुत है, तो रेड और वो वॉलेट और रेड उनको देंगे, लेकिन उनको ना कब्ज भी रहती है, अगर हम रेड देंगे तो पृथ्वी तत्व बढ़ जाएगा सर। हाँ रुकिएगा, यही यही बस इसी सवाल पे ऐसे ही रुकिएगा, अब आते हैं यहीं पर, हमें ना सारी नॉलेज एट वंस अपने माइंड में रखनी है, अगर रखेंगे तो हमारी कंसेप्ट क्लियरिटी इसमें बहुत हेल्प करेगी। यहां पर आप जब सिस्टम पढ़ेंगे, हाँ जी, तो सिस्टम में सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, और एक्सक्रीटरी सिस्टम जब कल पढ़ाया था तो कौन सी दो चीजें यहां लिखवाई थी, स्टूल एंड यूरिन, यूरिन, ओके ओके, तो एक्सक्रीट करना है स्टूल को, तो सर ये दोनों में काम करेगा,
हाँ, तो रेड का काम क्या है? एक्सक्रीट करना, रूट चक्रा जैसे आप ट्रीट करते हो तो एक्सक्रीशन अच्छा हो जाता है। यस सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए वेलकम। और किसी का कोई भी सवाल? प्रियंका जी पूछिए। सर जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए आप बताइए जॉइंट्स कौन से चक्रा में आते हैं सबसे पहले? कल हमने चक्रास पढ़े थे, जैसे कि अगर शोल्डर जॉइंट हो तो वो अपना। हाँ यस सर। तो जॉइंट सारे के सारे जॉइंट्स पहले किस में आते हैं ये देखना है। Hmm.